ये वाला चना मसाला है। ये वाला क्या है? पालक पनीर है। ठीक है, ये वाला मिक्स पनीर है। मिक्स वेज है। ठीक है, ये वाला चना मसाला है। आलू क्या है? ये वाला दाल मखानी है। और आइटम उधर तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर आ भी चुका है और हमने मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुआ ऑर्डर देके और हमारा गर्मा गर्म खाना आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला क्या है, ये चीज मसाला कुलचा, और यहाँ पे मिक्स वेज पनीर, और यहाँ पे पालक पनीर है, ये है मटर पनीर, और ये है शाही आलू, कश्मीरी आलू दम, और यहाँ पे जो है राइस है, वेजिटेबल पुलाव, पापड़ है, प्याज है, अचार है। और देख के तो माशाल्लाह अभी से मुंह में पानी आ रहा है खाना, और खुशबू काफी अच्छी आ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड कितनी है, तो क्राउड से भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसा है खाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है जो थाली का प्राइस है, चलिए मैं आपको पहले प्राइस बता देता हूँ, फिर खाने की क्वालिटी बताऊंगा। और प्राइस जो है, कोई भी आप सब्जी लोगे 35 का है, और इसके साथ अगर आप रोटी लेते हो तंदूरी रोटी तो 6 रुपए पीस है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है चीज मसाला कुलचा, ये 40 रुपीज का है, और अगर रोटी लेते हो तो 6 × 12 रुपए और एक सब्जी 35, तो 45-47 में आपका जो है खाना हो जाएगा। और राइस का भी वही है, 30 रुपए फुल प्लेट और 20 रुपए हाफ प्लेट। ये फुल प्लेट मैंने लिया 30 रुपए का, और ये सब्जी जितनी भी आप देख रहे सब 35-35 करके है, और रोटी 6 रुपए, राइस का 30 रुपए और हाफ का 20 रुपए। तो अब चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, भूख भी बहुत जोर से लग रही है, तो सबसे पहले रोटी खाते हैं, उसके बाद फिर राइस खाएंगे ना साहिबा, तो चलो बिस्मिल्लाह करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप क्राउड देखो माशाल्लाह यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह करते हैं, और ये इनका है चीज मसाला कुलचा, और ये 40 रुपीज का है, पूरा बड़ा रहता है, उसको कट कर दिया उन्होंने कि खाने में आपको आराम हो, 4 पीस है। ओए भाई, तो अंदर में आप देख सकते हैं जो कुलचा का जो फिलिंग होता है, आलू मसाला वो सब है, और ऊपर में जो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा चीज है, ये देखिए चीज है, तो इसीलिए इसका नाम है चीज, और 40 रुपीज के हिसाब से आपको मिल रहा है। अभी ये चीज हम रेस्टोरेंट में खाएंगे तो कम से कम 150-200 रुपए का एक पीस आएगा। तो ये है कोलकाता की खासियत स्ट्रीट फूड की। तो सबसे पहले इनका ट्राई करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पालक पनीर। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, एक बार दिखा दो सब कैमरा से, ये जो काउंटर है, ये जो है इनके जो ऑनर है वो पंजाबी में, तो पंजाबी का जो खाना फिर तो कुछ बात ही नहीं है, उसमें पंजाबी का पालक पनीर और कुलचा और बटर नान, ये लोग से तो मतलब कोई सकेगा ही नहीं टेस्ट वाइज, तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब एक नंबर जो है इनका पालक पनीर है। बड़े से बड़े जो रेस्टोरेंट होता है, ढाबा होता है, उसमें भी इस तरह का नहीं मिलेगा, इतना लजीज है, जबरदस्त मसाला कुलचा, बहुत हेवी है, मतलब एक अगर आप पूरा खा लोगे ना तो पेट भर जाएगा, इतना भारी है। और ये इनका वेज मिक्स है, मिक्स वेज में आप देख सकते हो गाजर है, बीन्स है, मटर है, पनीर है, टमाटर है, ये सब है,
तो मिक्स में जो होता है सभी कुछ डाला हुआ है और पनीर का जो है इस टाइप का साइज है। जो बिल्कुल एक टिपिकल जो पंजाबी डिश होती है ना, पंजाबी का जो रेस्टोरेंट ढाबा होता है, बिल्कुल वही खाना है। बस फर्क ये है कि यहाँ जो है स्ट्रीट फूड में मिल रहा है तो सस्ते में मिल जा रहा है। अब यही चीज हम अभी एसी डाइनिंग जाके रेस्टोरेंट में करेंगे तो यही खाना जो है कम से कम मुझे लगता है हजारों रुपए का खाना हो जाएगा बिल। और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वांटिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, काफी अच्छे से दिया गया। और मुझे तो ब्लॉग शूट करना है इसीलिए मैं तीन चार तरह का क्या कहते हैं ये सब लिया हूँ, वेज और ये सब, ये तो सब एक ही लेते हैं। तो आराम से आपको 50-60 रुपए में आराम से लंच हो जाएगा और इतना शानदार लंच 50-60 रुपए में, और क्या चाहिए आपको। मिक्स वेज है, थोड़ा सा स्वीट है, हल्का सा मिठास है, काफी मजा आ रहा है खाने में, नो डाउट। चलिए हम इनका मटर पनीर भी ट्राई करते हैं, जगह नहीं है प्लेट में, थोड़ा सा मसला हो रहा है। और आलू दम ट्राई करेंगे हम लोग उसके साथ, क्या बोलते हैं साहब, राइस के साथ। और आप इसकी थिकनेस देखते हो, काफी मोटा, मैं कह रहा हूँ ना, काफी मतलब काफी भारी है ये। और ये इनका मटर पनीर है, पनीर का साइज आप देख सकते हो, पनीर भी काफी है, मटर भी काफी है, ग्रेवी तो इनकी लाजवाब। हर एक डिश अच्छी है इनकी और सबका टेस्ट अलग है। इधर देखो सर, जैसे कि देखने में आपको लग रहा है कि हल्का हल्का सेम सा लग रहा है दोनों, है ना सब, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग है। ये थोड़ा मिठास में है, ये जो है थोड़ा सा स्पाइसी में है, तो एकदम अलग है दोनों का टेस्ट। ये नहीं कि एक ही ग्रेवी में सब कुछ डाल दिया है, और मतलब एक ही ग्रेवी में जो है अलग से पनीर डाल दिया गया है, किसी में मटर डाल दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हर चीज का टेस्ट अलग है, अभी तक तो तीनों मैंने खाया, तीनों का टेस्ट एकदम अलग है। और क्वांटिटी भी काफी है, आप देख सकते हो, ये देखो 35 रुपए में आपको और क्या देगा, ये देखो 35 रुपीज के हिसाब से एक प्याले में आपको और क्या देगा। और ओवरऑल अगर मैं सबसे अच्छा जो मुझे लगा इन तीनों में, तो मुझे लगा ये वाला पालक पनीर। और ऐसे ही मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा पसंद है, घर में भी अक्सर मैं बनवाता हूँ या मैं खुद बनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो पालक पनीर इनका परफेक्ट है, और ये दोनों भी सब्जी अच्छी है लेकिन पालक पनीर बेस्ट है इनका। यहाँ पे पापड़ लिया है मैंने, ये 8 रुपए करके पीस है, मसाला पापड़ है, सेका हुआ 8 रुपए। और क्या टाइमिंग है नहीं है सब आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में, और एड्रेस भी आपको पूरा बता दूंगा, प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको गूगल मैप का मैं लिंक दे दूंगा, आराम से आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जब तक इसको फिनिश करते हैं, फिर जब मैं राइस खाऊंगा तब आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमारा राइस आ गया है, और राइस आप देख सकते हो, पापड़ हम यहाँ रख देते हैं। साहिबा बोलिए पहले शूट कर लो, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे, आराम से वो खाएगी, बोली नहीं तो फिर मेरा नहीं होगा वैसे जल्दी जल्दी में। तो ये इनका राइस है, और राइस की क्वालिटी आप देख सकते हो, एक नंबर राइस यूज किया हुआ है, लंबे दाने वाले, है ना साहिबा। ये कौन सा चावल है भाई, बासमती है क्या? बासमती है ना, बासमती राइस है। और साथ में आप इधर देख लीजिए, इसमें भी जो आपको किशमिश शिशमिश दी हुई है, और ये थोड़ा मीठा ही होता है इस तरह का पुलाव, वेज पुलाव है, गाजर है, मटर है। ये मीठा नहीं है, जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं है, नॉर्मल है, काफी अच्छा लग रहा है खाने में। इसमें कश्मीरी आलू डालते हैं, ये साहिबा को ये पसंद है, साहिबा की बड़ी कश्मीरी आलू रहते साथ में, ले लो भाई। और मुझे वैसे भी ज्यादा रोटी पसंद है, साहिबा को राइस पसंद है, मैं तो रोटी खाता हूँ ज्यादा शौक से, और इसको हर जगह राइस ही पसंद है। अच्छा है, इसका भी टेस्ट बिल्कुल अलग है, कश्मीरी आलू दम जो है साहिबा, इसका भी टेस्ट एकदम अलग है। हर सब्जी का टेस्ट एक अपना है, और सबका टेस्ट अलग है और अच्छा है।
फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा वो चीज नान खत्म हो गया था, अभी मैंने यहाँ पे बटर नान मंगाया है। तो ये भी जो है पूरा बड़ा होता है, इसको दो पीस करके दिया है। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना अच्छा खाना होगा, क्योंकि मैं बहुत कमी है जहाँ पे रिपीट करता हूँ। और यहाँ पे राइस भी साहिबों को पसंद आ गया, जरियान भी खा रहा है। तो यहाँ पे हमने हाफ राइस और लिया है 20 रुपीज का। भैया ये बटर नान कितने का है? 20 रुपए का बटर नान है। तो आप अगर ऐसा मतलब देखो ना, आप एक अगर ये लेते हो सिर्फ सब्जी 35 और 20 55, अगर आप दो रोटी लेते हो 47 में आपका जो है लंच हो गया। और बेहतरीन लंच, एक नंबर लंच, हेल्दी फूड और हाइजीन भी काफी है, मतलब एकदम साफ सुथरा। ये नहीं कि स्ट्रीट फूड है तो एकदम गंदगी से, बिल्कुल सफाई सुथरा का मतलब ध्यान दिया जा रहा है, कहीं भी गंदगी नजर नहीं आ रही है। तो अच्छा है खाना। और यहाँ पे साहब ने और लिया हाफ, क्योंकि जरियान को भी पसंद आया है। तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें, है ना? सबका टेस्ट अच्छा है, नो डाउट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं भी एंजॉय करता हूँ अपनी रोटी गर्मा गर्म बटर नान, फिर खा ले, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना वाना हो गया है और काफी मजा आया खाना खाकर, मतलब भूख भी लग रही थी और लंच का टाइम भी हो गया, क्योंकि हम लोग आए यहाँ पे 1 बजे, अभी 1:30 बज रहा है। तो मजा आ गया खाना खाकर। और क्या बोले, साहब कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, है ना? जरियान भी खाया राइस, तुझे कैसा लगा आज? नहीं शाबाश। और अभी आप देख सकते हो क्राउड, और टाइमिंग क्या, चलिए मैं पूछ लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता क्योंकि, तो टाइमिंग मैं पूछ के आपको बताता हूँ क्या है नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इनका मेन्यू है, आप देख सकते हो रेट पॉज करके। तो जो भी आपको 35-40 इसी तरह से है। आपका नाम क्या है दादा? राजू। अच्छा, आप ही ऑनर है क्या? ओके। अच्छा, आप लोगों का टाइमिंग क्या है दादा? शाम 7 बजे तक। अच्छा अच्छा भैया, एड्रेस थोड़ा बता दीजिए आप एक बार। आर एन मुखर्जी रोड, मिशन ढाबा। अच्छा, तो ऐसे आपको एड्रेस बता दिया और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको गूगल मैप दे दूंगा, तो आप आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना वाना हो गया है और हम लोग वहां से निकल भी गए हैं, और बहुत ही ज्यादा मजा आया खाना खाकर। और अभी हम लोग यहाँ पर एक जगह रुके हैं चाय पीने के लिए, मेरा दिल हो गया चाय पीने का। साइबर जरियान को दिल है क्या पीने का? जूस। तो ये लोग जूस पियेंगे, तो मतलब मुझे चाय पीने दो भाई, अभी चाय वाय पियेंगे, फिर जूस पिला के फिर जाएंगे घर। और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है कलकत्ते में, धूप बहुत ज्यादा है, कड़क धूप। एक चाय पीते हैं, चाय भी आ गई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, खाने के मैं बात बता दूँ आपको, खाना बहुत अच्छा था हर चीज, प्राइस भी मुझे बहुत सही लगा उस हिसाब से, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और मैं यही कहूंगा कि कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं कलकत्ते में जो अभी ओवर हाइप चल रही हैं, इतने ज्यादा वहां पर वायरल कर दिया गया कुछ स्टॉल्स को, कि मतलब ऐसा लगता है कि उससे अच्छा खाना ही नहीं है कलकत्ते में। तो ऐसा नहीं है, ये सब जो अभी जो मैं आपको दिखाया ना, ये हिडन जेम्स ऑफ कोलकाता में कहूंगा, स्ट्रीट फूड है, इतना लजीज खाना इतने कम दाम में। लेकिन वही बात है, अभी यहाँ पे जो है वायरल नहीं हुआ है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। तो लेकिन इस तरह की दुकान है, ये जैसे दुकान है, मैं वही अभी साइबर से बात कर रहा था रास्ते में, कि इस तरह की दुकान अगर वायरल होती है तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि नो डाउट खाने की क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज अच्छा था, दाम भी सही था, साफ सफाई भी थी। लेकिन वही बात है, कुछ कुछ दुकानें जो मतलब कुछ नहीं है उसमें, लेकिन इतना वायरल हो गया है कि अब हद नहीं है। वही बात है, क्या कर सकता है इंसान। लेकिन ये खाना मुझे अच्छा लगा, और प्लस मैं आपको टाइमिंग बता दूं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक आपको खाना मिलेगा, रात 7 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक। और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस वैसे 3 नंबर मिशन ढाबा, स्टॉल का नाम है मिशन ढाबा, तो आप आराम से जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा, कभी भी अगर उस तरफ से आप गुजरते हो तो आप जाकर उनका टेस्ट करना, मजा आ जाएगा, पैसा वसूल है। तो बस यही है फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, और उम्मीद है कि आज जितना हो सका मैंने आपको शेयर किया और आपको मजा आया होगा आज के ब्लॉग में। तो अगर चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आज के ब्लॉग को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना ढेर सारा प्यार यहीं बरसाते रहें। तो 4K भी बहुत करीब होने वाला है, तो प्लीज जल्दी से 4K करवा दो, तो फिर उसके बाद और भी आगे करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो बस यही है फ्रेंड्स, तो चलिए शुक्रिया, मिलता हूँ फिर आपसे, मैं यहीं जाना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ, चलो एक नए और धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय।